अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं लिखता हूं लेट टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। क्या किया मैंने कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें वेरिएबल वाई है और वेरिएबल एक्स है, तो जो मैं सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ तो मैं इन एक्स और वाई के अलावा कोई और वेरिएबल पुट करूँगा। यहाँ पर मैंने वेरिएबल जो पुट किया वो टी पुट किया, तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको मैंने टी के बराबर पुट कर दिया। जब मैंने उसके बराबर पुट कर दिया देन इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम वाई इज इक्वल टू अब 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की जगह टी आ जाएगा और स्क्वायर रूट अपनी जगह है। अब इसके साथ मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ये जो इक्वेशन है इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड पे जो हमारे पास वेरिएबल है वो टी है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी वाई को भी डिफरेंशिएट करूंगा, यानी डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। और इस तरह से राइट साइड को भी मैं विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूंगा, और इस अंडर रूट टी को मैं लिखता हूँ टी पावर 1/2। जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, तो पावर रूल क्या है 1/2 टी पावर 1/2 माइनस 1, पावर से 1 माइनस किया, इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द बेस, बेस में टी है तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाता है 1/2 टी पावर 1/2 माइनस 1 से आ जाता है माइनस 1/2, तो 1/2 अब टी की वैल्यू क्या थी इक्वेशन नंबर 2 में देखें, टी की वैल्यू है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2। अगर इस पावर को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ इनकी कोएफिशिएंट्स को, जो फ्रैक्शन है उनको मैं चेंज कर दूंगा, तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स को और 1 माइनस एक्स, ऊपर वाले यानी डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिख दिया और नोमिनेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स नीचे था उसको मैंने ऊपर कर दिया है, और 1 माइनस एक्स ऊपर था उसको मैंने नीचे कर दिया है, लेकिन ये पावर माइनस 1/2 है, अब मैं उसको प्लस 1/2 लिख देता हूँ। तो इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ 1/2 1 प्लस एक्स पावर 1/2 पावर अलग लगा दें और 1 माइनस एक्स के ऊपर पावर अलग लगा दें, तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या किया था, जहाँ पर मैंने सपोजिशन की थी जो इक्वेशन नंबर 2 में लिखा था कि टी इज इक्वल टू, अब मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों मैंने एक्स लिखा, जरा इक्वेशन नंबर 2 की तरफ देखें। इक्वेशन नंबर 2 में आपको नज़र आ रहा है कि टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। राइट साइड पे हमारे पास वेरिएबल एक्स है, इस वजह से इस इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस वजह से मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा है डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस तरह से डी बाई डी एक्स और 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये फ्रैक्शन में है तो क्वोशेंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशेंट रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लें और डिनोमिनेटर को वैसे लिख दें, डिफ्रेंशिएट कर दें ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, वन माइनस एक्स माइनस पुट करके अब ऊपर वाले को हम वैसे लिख देंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे नीचे वाले को, वन प्लस एक्स। तो अब हमारे पास आ जाएगा वन प्लस एक्स। अब जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, वन कांस्टेंट है, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन, जब एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन आ जाता है। उसके बाद है माइनस वन माइनस एक्स, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे ज़ीरो, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन, ज़ीरो प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स होल पावर टू। तो अब यहाँ से आ जाता है ज़ीरो माइनस वन से माइनस वन आता है, ये माइनस वन जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस वन माइनस एक्स। इस तरह से ज़ीरो प्लस वन से वन आ जाता है तो ये बाहर, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस वन, तो ये माइनस वन इस ब्रैकेट के अंदर जब अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है माइनस वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर माइनस वन रह जाता है माइनस वन, तो माइनस टू ओवर वन प्लस एक्स होल पावर टू। तो ये डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। टारगेट हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है यूजिंग चैन रूल। डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, तो चैन रूल के मुताबिक डी वाई बाई डी एक्स मैंने यू लिखा। अब ऊपर जब हमने देखा कि एक जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया था वो टी था, जो यहाँ पर हमें नज़र भी आ रहा है, तो डी वाई बाई डी टी और डी टी यहाँ पर भी लिखेंगे। अब हम देखें तो डी वाई बाई डी टी इसका डेरिवेटिव हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, और इस तरह से डी टी बाई डी एक्स की डेरिवेटिव भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, मैं ऊपर इसकी वैल्यू चेक करता हूँ क्या वैल्यू आई थी डी वाई बाई डी एक्स की, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप देखें तो ये वाली है वन ओवर टू, वन प्लस एक्स ऊपर है अंडर रूट के साथ और वन माइनस एक्स नीचे है अंडर रूट के साथ, तो ये आ जाता है वन ओवर टू और वन प्लस एक्स अंडर द रूट ओवर वन माइनस एक्स अंडर द रूट। ये मैंने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी जब मैंने यहाँ से ऊपर वाले, ये मैंने आपको बताया था ये जो टिक मार्क लगा हुआ है वन प्लस एक्स अंडर द रूट ओवर वन माइनस एक्स अंडर द रूट ओवर ओवर टू भी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैंने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, और ये ऊपर ही नज़र आ रही है ये वाली डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, तो ये आ जाता है माइनस टू ओवर वन प्लस एक्स होल पावर टू। तो ये टू और ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर रह जाता है अच्छा ऊपर मैं लिखता हूँ माइनस वन रह जाता है और नीचे वन माइनस एक्स पावर वन बाई टू और वन प्लस एक्स पावर टू, लेकिन वन प्लस एक्स यहाँ पर भी है और वन प्लस एक्स ऊपर भी है, तो मैंने नीचे वाला वन प्लस एक्स पावर टू लिख दिया है, और यहाँ पर जो माइनस प्लस वन ओवर टू पावर है ये नीचे जब लेके जाएंगे तो माइनस वन ओवर टू पावर बन जाएगी, तो वो सेम बेसिस है तो हम माइनस कर देंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर
वन माइनस एक्स, इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू वन प्लस एक्स पावर, जब टू माइनस वन ओवर टू कर देंगे तो ये आ जाता है थ्री ओवर टू। तो ये हमारा फाइनल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट x, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। लेट, अब यहाँ पर इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो इन दो के अलावा मैं एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ t। लेट t इज इक्वल टू, अब बाहर वाला जो अंडर रूट है इसके अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू है x प्लस अंडर द रूट x, तो इसको मैं लेट t की इक्वल ले लेता हूँ। लेट t इज इक्वल टू x प्लस अंडर द रूट x, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। सो इक्वेशन नंबर 1 becomes, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू अंडर रूट बाहर वाला है और अंदर जो कुछ था जो मैंने जिसकी नीचे मैंने लाइन लगाई हुई है इसके जगह मैं क्या पुट करूंगा t, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर ज़रा एक चीज़ फोकस करें कि अब हमारे लिए काम आसान इस तरह से हैं कि ये दो इक्वेशन मेरे काम के, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 के राइट साइड पे x है, इस वजह से इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 के राइट साइड पे t है, तो इस इक्वेशन नंबर 3 को हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। ये मैंने आपको पहले से बता दिया, फिर ज़रा आसानी होगी। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लाइन लगाता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को अलग डिफरेंशिएट करता हूँ एक साइड पे और दूसरे साइड पे इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इक्वेशन नंबर 2 देखिए t है, तो t को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर है x प्लस अंडर द रूट x, और इस तरह यहाँ पर मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू t, तो इक्वेशन नंबर 3 में y है, तो dy वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, किसको हमने डिफरेंशिएट करना है t अंडर रूट को। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ डेरिवेटिव, जब x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाता है, इस तरह से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे अंडर रूट एक्स को, तो क्योंकि अंडर रूट एक्स क्या है, एक्स पावर 1/2 है, तो पावर रूल अप्लाई होगा, तो 1/2 शुरू में आ जाएगी और एक्स पावर 1/2 से हम 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2, और जब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 1 ओवर, ये 2 तो नीचे है, तो x पावर प्लस 1/2 बन जाएगी, तो x पावर प्लस 1/2 को अंडर रूट लिख सकते हैं, तो इस तरह इन दोनों का LCM ये आ जाएगा 1 ओवर ये 2 अंडर द रूट x LCM होगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 अंडर द रूट x और यहाँ पर प्लस 1, सो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट x प्लस 1 ओवर 2 अंडर द रूट x। इस तरह से जब हम इक्वेशन नंबर 3 को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, तो 1/2 शुरू में आ जाएगा, t पावर 1/2 से 1 माइनस हो जाएगा, मज़ीद जब हम उसको करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा t पावर माइनस 1/2, तो 1/2 ये t जब नीचे आ जाएगा पावर प्लस t बाई 2 बन जाएगी, तो इसको हम अंडर रूट लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर द रूट
टी। अब टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में क्या है, इक्वेशन नंबर टू में टी की वैल्यू है एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स, तो ये डी वाई बाई डी टी की भी वैल्यू आ गई है। अब हम आते हैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने की तरफ। यूजिंग चेन रूल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स, डी टी थर्ड वेरिएबल है तो डी टी और डी टी यहाँ पर हम पुट कर दें, तो अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसके जगह जहाँ पर हमने डी वाई बाई डी टी लिखा हुआ है डी वाई बाई डी टी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, तो ये आ जाएगा वन ओवर टू अंडर द रूट एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स, ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी डी वाई बाई डी टी की, और अब डी टी बाई डी एक्स ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा टू अंडर द रूट एक्स प्लस वन ओवर टू इन टू अंडर द रूट एक्स। अब हम देखते हैं अगर कोई कटिंग हो सकती है, वरना हम सिंप्लीफाइड आंसर लिख लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स ये वन ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाता है टू अंडर द रूट एक्स प्लस वन ओवर, ये टू अंडर रूट से बाहर है, ये टू अंडर रूट से बाहर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे फोर, और ये अंडर रूट एक्स ये वाला अंडर रूट एक्स लिख दिया, और अब ये बड़े वाला अंडर रूट एक्स और इसके अंदर है एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर है।